अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा तालबात। आज का जो है मेरा टॉपिक है डिप्लोमा टर्नर मशीनिस्ट का। अ हार्ड प्लास्टिक बार हैव अ डाया 54 mm, मेक अ हेलिकल ग्रूव ऑन 20 डिग्री। 20 डिग्री का एक हेलिकल ग्रूव बनाना है एंड मेक अ सिंगल ट्रेन ऑफ गेयर, यानी उसकी सिंगल ट्रेन भी बनानी है। तो सबसे पहले देखें, यहाँ हमने 54 डाया दिया हुआ है और ये डिग्री दी है। यहाँ लीड जो है ये हमें चाहिए, पहले सबसे पहले लीड चाहिए होती है। तो लीड का फार्मूला देखें, वो ये रहा, लीड बराबर है, इसको हम एल से साइन दे देते। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 मल्टीप्लाई, डाया क्या है 54 mm। अच्छा ये टेन क्या है, देखे 20 डिग्री का टेंजेंट होता है 0.3640। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 465.8 mm, अप्रोक्सीमेट 466 mm। तो ये हो गई एल, हमारे पास लीड हो गई। अच्छा ये फार्मूला देख रहे हैं क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं। तो ये देखिएगा आगे, इससे आगे अब हमारे पास सबसे पहले आती है फिर मशीन लीड, वो इक्वल होगी 5/40। ये मिलिंग मशीन की सेटिंग की। अच्छा लीड हमारे पास अप्रोक्सीमेट आ गई 466, ये आ गया हमारे पास 200। इसको इससे मल्टीप्लाई करा, 466 2 1 2 0 0 2 2 4 3 3 6, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.429 something, यानी 43 आ जाएगा। ये हमारे पास अब आंसर जो हमारे पास आया वो आया 429। अपने सवाल को यहां लेके जा रहा हूं हल करने के लिए। ये देखें फार्मूला है Z1 Z2 Z3 Z4। ये बोल रहा है सिंगल ट्रेन में से Z1 और Z2 आएगा। हमारे पास ये वैल्यू आई थी 1/0.42, 1/0.429। अब दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा हमारे पास 100, ये आ जाएगा 42.9, ये आ गया तकरीबन 100/43। ये जो गेयर है ये वाला, ये आ जाएगा 100th gear on milling lead screw and 43th gear on dividing head। अच्छा बीच में आइडियल गेयर होता है, ठीक है, एंड बिटवीन, ये आइडियल गेयर आप कोई सा भी लगा सकते हैं। बस क्या है, ये 43 का जो तीत है उसको बिटवीन 1 आइडियल गेयर, ये आइडियल गेयर आप बीच में लगा सकते हैं, लेकिन लीड मशीन के लीड स्क्रू पे 100 mm के तीत का गेयर आएगा और डिवाइडिंग हेड के जो स्पैंडल है उस पर 43 का तीत का गेयर आएगा। इनको जब हल करेंगे आप तो आपका रेशो यही बनना चाहिए। तो इस तरह हम इसको सिलेक्ट करते हैं Z1 और Z2 को।
तो आइए मैं आपको इसकी एक वीडियो दिखाता हूं। वीडियो देखी, आपने इसके सारे मैकेनिज्म को समझ लिया होगा कि मिलिंग किस तरह वर्क करती है। ये वर्टिकल मिलिंग का काम था, तो आप इसको समझे, मैकेनिज्म को समझे किस तरह वर्क हो रहा है, और इससे आप जब आपको ये काम आ जाएगा तो एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अर्निंग के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं और इसमें अंधी कमाई होती है कि तकरीबन एक चीज़ ये काटने के आपसे तकरीबन 2,000 ले लेगा, 3,000 आप परचेज कर, 3,000 आप इसकी चार्जिंग कर सकते हैं। यानी ये इस तरीके से वर्कशॉपों में ये वर्क होता है। तो इसके साथ ही शाइन निसार को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।